फ्रेंड्स विज्ञानता ग्रुप ट्यूशन आपके लिए विजिट ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रहा है सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन शुरू किया था आज के वीडियो लेक्चर में ये लेसन हम पूरा करेंगे नेक्स्ट इज इन म्यूजियम सो देयर आर वेरियस थिंग्स कॉइन प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो भी अलग अलग टेम्पल है या थिंग्स इन डेली यूज सो so, अगर कोई लीडर है सपोज इफ यू टेक एग्जाम्पल है महात्मा गांधी सो so, महात्मा गांधी के उनके जो भी आश्रम है या जो भी आश्रम है उनमें हम उन उन आश्रम में हमने हमने महात्मा गांधी ने क्या चीज यूज किया था वो हमें स्टोर करके रखा हुआ है उनका स्पेक्स है या उनके प्लेट्स है या उनके फुटवेयर है या उनके चरका है ये हमने स्टोर करके रखा हुआ है सो वाइल लुकिंग एट दैट थिंग वी कैन स्टडी अबाउट महात्मा गांधी सो थिंग्स दैट थिंग्स इन डेली यूज रॉयल सील्स शिवाजी महाराज की राज है तो शिवाजी महाराज का जो राजमुद्रा है ये राजमुद्रा को हम सील बोलते हैं जैसे बहुत सारे जो किंग्स होते हैं उनके सील होते हैं एक राज मुद्रा होता है सो दीज आर द रॉयल सील्स दैट आर आल्सो प्रिजर्व देन मॉडर्न आर्किटेक्चर सो मॉडर्न आर्किटेक्चर और लाइक मॉडर्न बिल्डिंग्स देन क्लोथिंग म्यूजियम्स ऑर्नामेंट दिस आर द द आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कॉइन्स

तो उसमें लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है ये गवर्नर इंडियन आदमी को या इंडिया के सिटीजन को या जो भी इंडिया का, इंडिया का में ये नोट यूज करेगा उसे गारंटी देता है कि ये नोट आप यूज कर सकते हो इंडिया में और यही नोट इंडिया में चलेगा या यही कॉइन चलेंगे सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द इंडियावार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन मुंबई मुंबई में हेडक्वार्टर दे आर प्रिंटिंग न्यूज दे आर प्रिंटिंग नोट एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग कॉइन्स सो ये कॉइन्स जैसे चेंज होते जाता है सो तो ये

एंड कॉइंस कम्युनिकेटिंग द इन्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म जो कॉइन दिख रहा है इसमें एग्रीकल्चर के बारे में या मेज के बारे में दिया हुआ है सो दिस दिस कॉइन इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीक्रग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर सो दिस आर द वेरियस वेज इन विच कॉइन्स कैन बी यूज टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री सो पुराने कॉइन हम देखेंगे तो उसमें कुछ अलग तरीके का मटेरियल यूज होता है अलग तरीके के अलग तरीके की बातें प्रिंट होती है सो वाइल लुकिंग एट दैट क्वाइन वी कैन स्टडी वॉट आर द चेंजेस दैट आर मेड इंडिया जैसे कॉइन्स चेंज होते हैं वैसे जैसे नोट्स चेंज होते हैं जैसे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने फाइव हंड्रेड के नोट्स बैन कर दिया था बंद कर दिया था कैंसिल कर दिया उसके बाद नए नोट्स आए अगर ये पुराने नोट हमने 100 इयर्स के बाद या 50 इयर्स के बाद देखेंगे तो ये नोट्स हमें अगर किसी ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो ये नोट्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हंड्रेड ईयर्स पहले या फिफ्टी ईयर्स पहले इंडिया में कैसे नोट्स मिलते थे तो उस नोट्स पे जो अलग अलग फोटोग्राफ्स यूज होते हैं ये चीज देख के हमें पता लग सकता है कि इंडिया में क्या हिस्ट्री कैसा था इंडिया का सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री नेक्स्ट इज म्यूजियम ऑल स्ट्स ऑफ इंडिया द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ स्टेट देबल एस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एग्जाम्पल शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई सो देर इज अ म्यूजियम कॉल्ड एज शिवाजी महाराज म्यूजियम इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स गेट वे ऑफ इंडिया अगर आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से अगर आप गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हो तो बीच में एक म्यूजियम आता है इट इज आफ्टर जहांगीर आर्ट गैलरी सो एक म्यूजियम है दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय और म्यूजियम सो इन दैट म्यूजियम यू कैन स्टडी अबाउट वेरियस थिंग्स दैट आर केप्ट इन दैट दैट म्यूजियम सो वी कैन स्टडी अबाउट वेरियस हिस्टोरिकल थिंग्स जैसे अलग अलग मटेरियल रखे हुए म्यूजियम में अलग अलग बुक्स है सो so

देन नट क्रैकर नट क्रैकर मतलब जो नट्स होता है या सुपारी तोड़ने के लिए हम जो यूज करते हैं मराठी मध्य अर्कित्ता बोलते थे so, ये जो हम सुपारी ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज नट क्रैकर सो ये अलग अलग नट क्रैकर अलग 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 डिजाइन में होते हैं अलग अलग उसमें डिजाइन किया हुआ होता है तो so, ये नट क्रैकर भी लोग कलेक्ट करके रखते हैं सो दे आर हैविंग हॉबी टू कलेक्ट हैैकर्स देन क्रिकेट इक्विपमेंट्स सो ओल्ड क्रिकेट इक्विपमेंट्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे बैट्स यूज होते थे कैसे ग्लव्स यूज होते थे आज कैसे यूज हो रहे सो वी कैन मेक अ डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट सो देर आर पीपल इक्विपमेंट्स ओल्ड बैट्स ओल्ड ग्लोव ओल्ड बॉल्स ओल्ड स्टम्स सो वायल सी दैट वी कैन स्टडी अबाउट वट आर वॉट थिंग्स बिफोर थर्टी ईयर्स टू थाउजेंड इंडिया वन क्रिकेट वर्ल्ड कप इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो बैट यूज किया था या युवराज सिंह ने जो बैट यूज किया था महेंद्र सिंह धोनी ने क्या जो ड्रेस जर्सी पहना था ये सब चीज अगर हम एक म्यूजियम में रखेंगे तो ट्वेंटी ईयर्स के बाद या थर्टी ईयर्स के बाद जब हम वो म्यूजियम विजिट करेंगे अबाउट वॉट आर द वॉट द डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ क्लोज दैट इंडिया वॉज वेयरिंग इंडियन प्लेयर्स वेयर यू वेयरिंग

ंग होते या जो ओवीज होते हैं ये ovies में, ovies पढ़ के भी हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे कैसे कैसे सिचुएशन था देन मराठी वर्सेज इन ओरल ट्रेडिशंस दिज आर ओवीज अभंग Then, uh, एक्टिविस्ट वे इंस्पायर्ड बाय पोवाड़ास ऑफ लोक शाही अन्नाभाटे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट सी इन टिल्सटी तक गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट ये जो एक स्टेट था दैट वाज कॉल्ड एज बॉम्बे स्टेट ये पूरे स्टेट को बॉम्बे स्टेट बोलते थे महाराष्ट्र का आधा पार्ट और गुजरात का आधा पार्ट 1960 के बाद महाराष्ट्र अलग स्टेट बन गया गुजरात अलग स्टेट बन गया लेकिन महाराष्ट्र को अलग स्टेट का अलग स्टेट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रहा था ऑल्सो देर वॉज इश्यू ऑफ मुंबई सो मुंबई गुजरात को भी चाहिए था और महाराष्ट्र को भी चाहिए था सो देर वॉज अ मूवमेंट देर वॉज अज इट इज इट इज लाइक अ आंदोलन तो महाराष्ट्र के जो लोग थे या महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था दैट इज नोन है संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में पूरे महाराष्ट्र को मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र मुंबई के साथ हमें महाराष्ट्र चाहिए So, ये आंदोलन किया था इंडिया महाराष्ट्र के लोगों ने मराठी लोगों ने सो ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग दैट आंदोलन ड्यूरिंग दैट मूवमेंट देर वेर लीडर्स देर लीडर्स लाइक लोक शाहिरू साटे और शाहिर अमर शेख तो ये शाहिर अमर शेख और अन्नाभाटे ये लोगों को एनकरेज करने के लिए अलग अलग तरीके से पोएम्स बना देते और सॉन्ग्स बना देते थे आर कॉल्ड एस पोवाडास ये पोवाडास से लोगों को इंस्पायर करते थे कि लोग फाइट करें अपने अपने बेनिफिट अपने बेटरमेंट के लिए फाइट करें महाराष्ट्र के लिए फाइट करें

ज द करेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया सो ये पोयम उन्होंने लिखा था सो so, ये पोयम देख ये पोयम अगर हम आज पढ़ रहे तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कुसुमाग्रज उन्होंने क्या लिखा था उस पोयम पे उस टाइम का सिचुएशन कैसे था सो दीज आर देरियस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन दैट आर यूज टू स्टडी हिस्ट्री नेक्स्ट इज ऑडियो ऑडियो विजुअल सोर्सेस टेलीविजन फिल्म इंटरनेट आर कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेज ऑडियो मतलब जो सुनाई देता है हमें सो रेडियो और सॉन्ग्स पोएम्स दिस आर ऑडियो एंड पोएम्सो रिटर्न बट इफ यू आर मेकिंग कैसेट ऑफ दैट पोएम्स और विजुअल मीडिया मतलब जो हम देख सकते हैं जैसे टेलीविजन है इंटरनेट है दिस आर विजुअल मीडिया मेनी डोमेस्टिकॉरन टेलीविजन चैनल्सो कम अंडर दो देर आर वेरियस डोमेस्टिकल चैनल और फॉरन चैनल्स लाइक वी आरिंग मेनी फॉरन चैनल इन इंडिया हिस्ट्री चैनल डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा वायल लुकिंग एट हिस्ट्री चैनल वी कैन स्टडी अब हिस्ट्री देर आरियस बाई हिस्ट्री चैनल एंड अदर ने जोग्रफिकल्सो सो देो पब्लिशिंग वेरियसिंग देर ऑलो टेलिंगस अबाउट वॉटर डिफरेंट इशू देट आर फेस बाय द कंट्री वट वज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वॉट वजिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये सब चेक ये सब देख के हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री कैसे था पहला देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सो इंडिया में जब भी फिल्म फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया वॉज शॉट बाय दादा साहेब फाड़के सो दादा साहेब फाड़के उन्होंने फर्स्ट फिल्म शॉट किया था फर्स्ट फिल्म बनाया था इंडिया में उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिल्म बनाना स्टार्ट किया सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं जो स्टडी करना चाहते हैं कि फिल्म मेकिंग में स्क्रिप्ट कैसे लिखना है एक्टिंग कैसे करना है या फिर सिनेमाटोग्राफी कैसे करना है कैमरा कैसे यूज करना है

जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं या अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट्स अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे या लोग अवेयर हो जाएंगे एंड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज रिव्यू हैज प्रोड्यूस वेरियस न्यूज रील्स ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इंडिया के ऊपर तो उसमें अलग अलग न्यूज रील्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हुए हैं देन सोशल इश्यूज आर्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चर

अगर महाराष्ट्र के बारे में हमें दुनिया को बताना है तो महाराष्ट्र का अगर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है या इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उनके बारे में हमने अगर एक डॉक्यूमेंट्री बना दिया या एक फिल्म बना दिया देन मेनी पीपल विल कम टू नो अबाउट महाराष्ट्र और यू मस्ट बी वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे एक एडवर्टाज आता है मध्य प्रदेश का एम में दिल हुआ बच्चे सा या राजस्थान का जो ऐड आता है या गुजरात का पहले ऐड आता था कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में अमिताभ बच्चन उसमें काम करते थे सो वाइल लुकिंग एट दैट डॉक्यूमेंट्रीज वी कैन स्टडी वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट और वॉट इज द कल्चर ऑफ दैट स्टेट और ये देख के हम वहां वहां विजिट करने चले जाते सो वाइड लुकिंग एट दैट डॉक्यूमेंट्रीज पीपल कम कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री और कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ दैट रीजन द न्यूज रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल टू स्टडींग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सो ये जो न्यूज रील्स है या डॉक्यूमेंट्रीज है ये डॉक्यूमेंट्रीज देख के हम इंडिया के बारे में पता पता लगा सकते हैं इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं दिस इज द लोगो ऑफ एफ टी आई आई नेक्स्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट ओरल सोर्सेज वी हैव स्टडीड अबाउट रिटन सोर्सेज और वी हैव स्टडीड अबाउट मटेरियल सोर्सेज सी नाउ आफ्टर टू थाउजेंड और आफ्टर द मीडिया हैज चेंज ना वी आर यूजिंग मोबाइल फोन ना वी आर यूजिंग सोशल मीडिया

राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द टाइम्स ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी दिस प्रूव टू बी इन एडवकेट सो नाउ वी आर वी नीड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन सो ये इफॉर्मेशन देने के जो भी सोर्सेस है ये इन एडवकेट पढ़ रहे इन एडवकेट हो रहे कम पढ़ रहे हवेर द न्यू सोर्स आर कमिंग नाउ फॉर एक्सम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन टू सेलफोन सो फर्स्ट वी वी आर यूजिंग लैंडलाइन टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन यूज करते थे हम उसके बाद हमने मोबाइल फोन में चेंज हो गए मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया सेल फोन और मोबाइल फोन और गैजेट कॉल्ड पेजर सो देर वॉज अ गैजेट बिटवीन लैंडलाइन लैंडलाइंड में हमें फोन आता है कि ये जो वायर से कनेक्टेड होता है लैंडलाइन मीन वायर से कनेक्ट होता है लैंड के नीचे से जो वायर जाता है ये वायर से दो, दो फोन कनेक्टेड है अगर वायर बीच में ब्रेक हो गया देन कनेक्शन नहीं होगा सो so, वायर से कनेक्शन हो रहा था पहला नाउ वी आर यूजिंग मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं उसके पहले जब से जब भी लैंडलाइन से मोबाइल फोन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था उसका शॉर्ट लाइफ था उसके बाद सीधा ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया सो देर वॉज अ गैजेट कॉल पेजर केम फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल और कॉन्टेक्टिंग पीपल बट इट डाइड आउट क्विकली एज इट एज एट इट एज हार्ट कम अप एज इट एज कम अप्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडी हिस्ट्री बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड सी इफ यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन गूगल देन यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल बट वीट वी कैनॉट सी दैट दैट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और दैट इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग सो वी नीड टू री चेक री चेक द इन्फॉर्मेशन तो ये हमें बुक्स में या अलग अलग तरीके से रीवेरीफाई करना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है सो

कभी जल गए या खराब हो गए फट गए तो ये आर्काइव्स हमें वापस कभी नहीं मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन वापस कभी नहीं मिलेगा देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कन्वर्टिंग दैट डॉक्यूमेंट्स इन टू फॉर्म तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके थैंक यू